मनोहर थाना से, जहां एक और सरकार घर घर जल योजना के तहत पेयजल पहुंचाने का प्रयास कर रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय के बच्चे पेयजल के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही मामला मनोहर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत अवलहेड़ा के ग्राम बिसलाई में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र परिसर के अंदर व बाहर हैंडपंप लगा हुआ है, और लेकिन दोनों हैंडपंप पर पानी नहीं आने से विद्यालय के बच्चे सहित स्टाफ को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वहीं स्कूल परिसर के बाहर पानी की टंकी में खारा पानी आने से उसका भी पेयजल हेतु उपयोग नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण बंटी मेवाड़ा ने बताया कि लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है, इसके लिए प्रशासन को कई बार अवगत करा दिया गया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। नाम आपका? बंटी। कहाँ गए हो आप? बिसलाई। तो यहाँ पर जो बिसलाई में आंगनबाड़ी भवन और विद्यालय है, यहाँ पर जो हेडपंप लगा हुआ है सुचारू चालू है? नहीं, पानी नहीं उसमें। कब से नहीं है? पानी आता निकलता ही नहीं, पानी दो एक महीना रह कर बरसात में। तो आपने जानकारी दी इसकी आगे प्रशासन को? दी जी, पहले भी बड़ा सुनाई नहीं करो, पहले ब्रांड कर दे दी जी।